हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाईसीटी बुक्स। यूथ कंटेंट टाइम्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से वैकेंसीज आई हुई हैं, जिसके लिए हमें ऑलरेडी शॉर्ट पेपर से प्रैक्टिस बुक निकाल दिया था सिविल इंजीनियरिंग के लिए और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले थोड़ा सा गुस्सा हो गए थे, भाई गुस्सा ये नहीं, आप लोगों की भी बुक आई हुई है, आज हम उसका फुल रिव्यू करके बताएंगे। और आपके लिए हम इसमें सॉल्व पेपर्स भी लेकर आए हैं और साथ में प्रैक्टिस सेट लेकर भी आए हैं। अब आगे कोई भी आपको ऐसी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, प्लीज थोड़ा सा प्रक्रिया करिए। तो जल्दी जल्दी हम अपडेट करते रहते हैं। सिविल वाली और इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हैं, अगर आप जूनियर इंजीनियर या असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो उसके लिए ऑलरेडी बुक आ चुकी है। आप हमारी वेबसाइट और पर जाके बुक परचेज कर सकते हैं। अगर आपने हमारा ई बुक वाला सेक्शन लिया है, मतलब ycitpublication.com या ycit एग्जाम प्रिपरेशन ऐप जो एंड्रॉयड मोबाइल में चलता है, अगर वो आपने लिया है तो वहाँ पर जाके आप पढ़ सकते हैं। और अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट हैं तो उनके लिए भी पहले ही बुक वहाँ पे अपडेट कर दी गई थी। आज हम फाइनली ये बुक लॉन्च कर रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से कि फाइनली ये बुक आ चुकी है। नज़दीकी स्टोर पर जाकर आप परचेज कर लीजिएगा, नहीं तो अमेजन फ्लिपकार्ट पर तो अवेलेबल आपको मिल ही जाएगी, नहीं तो हमारी वेबसाइट से भी मंगा सकते हैं। पूरी डिटेल हम इसके बारे में बताने वाले हैं। ये यूथ कंप्लीट टाइम्स का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, इसके अलावा हमारे पास फेसबुक पे टेलीग्राम चैनल भी है, वहाँ पे भी आप फॉलो करेंगे तो वहाँ पे आपको जानकारी सभी चीज़ें अवेलेबल मिल जाएगी। अगर इस बुक की बात करते हैं पर्टिकुलर इस बुक की, तो इस बुक में की जो प्रिंट प्राइस है 295 रुपीज रहने वाली है। और नंबर ऑफ पेजेस की बात करते हैं तो ये 288 पेजेस बुक रहने वाली है। यहाँ पे आपको पेज दिख रहा होगा, इस पर डिस्काउंट भी मिल जाएगा आपको, ऑनलाइन ऑफलाइन डिस्काउंट अलग अलग होते हैं। अगर ई बुक पढ़ना चाहते हैं तो हमारा जो YCT एग्जाम प्रिपरेशन ऐप है एंड्रॉयड वर्जन, अगर मोबाइल यूजर हैं तो, अगर आप पीसी यूजर टैब या लैपटॉप यूज करते हैं तो आप ycitpublication.com पर जाके साइन इन करके यहाँ पर सारी बुक पढ़ सकते हैं। सारी का मतलब इस बुक के साथ साथ 1000+ ई बुक्स भी आप पढ़ सकते हैं। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक्स बात करते हैं उसमें ए की वैल्यूम 1-2, इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स का कैप्सूल, इलेक्ट्रॉनिक्स के सॉल्ट पेपर्स, साइंटिफिक असिस्टेंट के, और ये तो कई सारी इसमें और भी बुक आपको इलेक्ट्रॉनिक्स मिल जाएंगे। पिछले ITI JEE बहुत सारी बुक्स है, 1000+ ई बुक्स यहाँ पे रहने वाली है, आपको हमारी वेबसाइट पे अपलोडेड वहाँ पे मिल जाएंगे, जो आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं। अगर आपने एक बार सब्सक्रिप्शन ले लिया है 299, 399 या 499 का, वहाँ पे पैकेज है 3 मंथ, 6 मंथ और 12 मंथ के। उस ड्यूरिंग के दौरान आप सभी किताबें पढ़ सकते हैं, जितने भी पुरानी किताबें हैं या अपकमिंग जो बुक्स आने वाली, सभी चीज़ों का एक्सेस आप एक साथ ले सकते हैं। तो इस बुक को परचेज कर लीजिएगा। अब इसमें हम पूरी डिटेल के साथ आपको बताने वाले हैं कितने इसमें प्रैक्टिस सेट कौन कौन से रहने वाला है, कितने हैं, किस ईयर के पेपर्स यहाँ पे रहने वाले हैं, वो सारी चीजें हम डिटेल के साथ बताने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक देखिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का जो सिलेबस है वो यहाँ पे डिस्कस करने को मिल जाएगा, अभी हम डिस्कस करेंगे आगे। इसके अलावा जो SCTO के जो पेपर हुए हैं 2021 के, वो आपको यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएंगे। और आपका जो पेपर ही हुआ था 2021 वाला, वो होता 17 अप्रैल को। इसके अलावा 2019 का पेपर जो 20 जनवरी को हुआ था, 2020 में 2018 का पेपर 12 मई को हुआ था, और ये LMRCL के नाम से हुआ था, यानी लखनऊ मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उसी को नाम बदल के बाद में UPI में RCL कर दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे 2018 का पेपर जो हुआ था वो 16 अप्रैल को हुआ था, इसके अलावा 2016 का पेपर 17 मार्च को हुआ है, इसके बाद LMRCL जूनियर इंजीनियर 2016 का पेपर 17 मार्च को फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट, एक बार 2015 का पेपर हुआ 26 जून 2015 को। तो ये सारे पेपर्स आपको यहाँ पे 7 पेपर ये अवेलेबल मिल जाएंगे सॉल्व, मैंने पेपर डेट के साथ बताया 2015, फिर 2016 का 2 पेपर है, फिर 2018 का 2 पेपर रहने वाले, 2020 का, 2021 का, ये सारे पेपर हो गए आपके। 2020 का मतलब 2019 का जो पेपर था, 5 यहाँ पे सॉल्व पेपर प्रैक्टिस सेट मिलने वाले, मतलब प्रैक्टिस आप क्वेश्चन दिए रहेंगे, उसके बाद उसकी आंसर भी दी रहेगी और लास्ट में उसके सोल्यूशन भी दिए रहेंगे। तो वो पूरा हम यहाँ पे डिटेल्स बताने वाले हैं, जिससे यहाँ पे सोल्यूशन है, पहले यहाँ पे क्वेश्चन आपके 100 समाप्त हो जाते हैं प्रैक्टिस सेट में, बायलैंगुअल मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहने वाला है, फिर यहाँ पे उसके आंसर की आप भी आपको यहाँ पे दी रहेगी, यहाँ पे आंसर की दे सकते हैं, ये आंसर की दी गई है। आंसर की के बाद मान लीजिए आपसे सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हुए, 100 क्वेश्चन हैं टोटल, 90 क्वेश्चन यहाँ पे आपको टेक्निकल का है, उसके बाद पार्ट सेकंड में आपके 50 क्वेश्चन, टोटल 140 क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन अनअटेम्प्ट होंगे, गलत हो जाएंगे, तो उसके लिए हमने डिटेल सोल्यूशन दे दिया सभी स्टूडेंट के लिए कि पांचों यहाँ पर प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिस जरूर सॉल्व करिएगा, आप अपने से कितना नंबर पा रहे हैं वो जरूर चेक करिएगा, और ये जो पुराने आपके हुए हैं दिखाने के लिए किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्योंकि न्यू स्टूडेंट जो इस भर्ती के लिए एलिजिबल हैं उन्हें नहीं पता ना किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उसके लिए यहाँ पे बायलिंगुअल सीरीज में पूरा डिटेल के साथ यहाँ पे आपको अवेलेबल मिलने वाला है। आइए वीडियो शुरू करते हैं। ये यूथ कंटेंट टाइम्स का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, इसके अलावा फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल भी है, उस पर भी आप फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। तो जूनियर इंजीनियर का जो सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन का जो इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस रहने वाला है, उसमें आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग,
एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, इसके बाद आपका कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम के बाद आपका टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस, स्टेबिलिटी, नॉन लीनियर कंट्रोल सिस्टम, ये सारे यहाँ पे टॉपिक्स यहाँ पे दिए गए हैं कंट्रोल सिस्टम के, यहाँ पे रहने वाला ये आपको मिल जाएगा। ये सिलेबस आपको बुक में भी अवेलेबल मिलने वाला है, जो मैं ई बुक दिखा रहा हूँ बिल्कुल सेम टू सेम यही आपको बुक भी रहने वाली है। तो यहाँ पे पूरा मिल जाएगा सिलेबस, आप यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट पेज में ही अवेलेबल मिलने वाला है। फिर आपका इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एंड मटेरियल्स है, जिसमें मटेरियल्स है क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल, कंडक्टिव मटेरियल, इंसुलेटिंग मटेरियल्स, मैग्नेटिक मटेरियल, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, प्रिंसिपल ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, फंडामेंटल्स ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, बेसिक ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, फिर कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रूमेंटेशन, फिर क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी टेक्निक्स यहाँ पे रहने वाले। तो ये सारे सिलेबस हैं आपके जो इलेक्ट्रॉनिक्स का इस समय पूछा जाएगा सिग्नल कम्युनिकेशन SETO में, वहाँ पे रहने वाला है। अब जो लेटेस्ट पेपर हुआ है 2021 वाला, उसका हम सोल्यूशन आपको दिखाते हैं। क्वेश्चन वहाँ पढ़िएगा, द पावर एब्जॉर्ब बाई 10 वोल्ट सोर्स इन द गिवन सर्किट, इंग्लिश में है, इसका हिंदी होता दिया गया परिपथ में 10 वोल्ट स्रोत द्वारा अवशोषित शक्ति का पावर ज्ञात करिए, शक्ति ज्ञात करिए। तो क्वेश्चन आपको बायलिंगुअल ही मिल जाएंगे यहाँ पे, हिंदी इंग्लिश दोनों मिल जाएगा। यहाँ पे हमने लिखा भी है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए रहने वाला है, ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। द डीसी वोल्टेज ट्रांसफर ऑफ ए पुश पुल कन्वर्टर इज, एक पुश युक्त कन्वर्टर का डीसी वोल्टेज ट्रांसफर है। तो क्वेश्चन और सोल्यूशन दोनों ऑप्शन दोनों आपको बायलिंगुअल मिलने वाले हैं। फिर यहाँ पे डिटेल आपको यहाँ पे सोल्यूशन आपको मिलने वाला है, ये चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पे जिससे यहाँ पे 3 क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त हो जाते हैं, पहले पेज में 4 क्वेश्चन समाप्त होते हैं, इसके बाद और भी क्वेश्चन नंबर 5 फिगर भी आपको क्लियर ही दिए गए हैं, जहाँ पे जिस चीज की जरूरत पड़ी है फार्मूले की, फिगर की, सब चीज यहाँ पे आपको पूरा डिटेल के साथ समझाने के लिए हर एक चीज यहाँ पे अवेलेबल आपको मिलने वाला है। तो वो आपको सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल मिलती रहेंगी। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, तुल्यकालिक मोटर में जब वोल्टता बैक EMF से कम होता है तो मोटर को क्या कहा जाता है और यह धारा खींची जाती है, इसे क्या कहा जाता है आपको? तो जब मोटर को क्या कहा जाता है, मोटर को कहा जाता है ओवर एक्साइटेड एंड लीडिंग, या लीडिंग धारा खींचती है, ठीक है, लीडिंग धारा यदि अति उत्तेजित, तो एक ऑप्शन सही रहने वाला है। यहाँ पूरा डिटेल आपको दिया गया है, पूरा यहाँ पे आप देख सकते हैं, फिगर आप देख लीजिए, हर एक चीज क्लियर यहाँ पे आपको दी गई है, वो चीजें यहाँ पे अवेलेबल आपको मिलने वाला है। और साथ ही साथ यहाँ पे प्रैक्टिस सेट भी आपको दिए गए हैं, फार्मूला जरूरत पड़ी है, जहाँ पे डाटा जरूरत पड़ा है, पूरा यहाँ पे डिटेल के साथ आपको बताया गया। तो पहले टेक्निकल 90 क्वेश्चन मिल जाएंगे, फिर 50 क्वेश्चन आपको नॉन टेक के मिल जाएगा, वो चीजें आपको डिटेल से यहाँ पे रहने वाली है। निम्नलिखित में स्वचालित नियंत्रण प्रणाली नहीं है, 4 ऑप्शन दिए गए, उसमें कौन सा नहीं वो आपको पढ़ना है, जल्दी से पढ़ के उसका आंसर देना है। या फिर देख लीजिए फिगर पूरा, यहाँ फिगर सोर्स पी सोर्स क्यू के फिगर्स वगैरह दिखाए गए हैं, और भी ये तो आपको लाइन डायग्राम है जो आपको फिगर वाइज क्वेश्चन है, वो भी डिटेल से यहाँ पे आपको अवेलेबल मिलने वाला है, ये चीज़ यहाँ पे आपको अवेलेबल मिल जाएगी। तो इस प्रकार पूरी डिटेल के साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके कवर पेज में भी इलेक्ट्रॉनिक जो अन्य बुक्स हमारी रहने वाली है वो भी यहाँ पे मिल जाएगी, जैसे UPPCL की है, उसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बायलिंगुअल की 50,000 सीरीज का, इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक्स का है वो पूरा डिटेल हमने आपको बता दिया है। तो ये बुक परचेज कर लीजिएगा, जिन्होंने लखनऊ मेट्रो का फॉर्म भरा है, मतलब उसमें जेई बनना चाहते हैं, SETO में जेई बनना चाहते हैं, उनके लिए बुक मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू गाइस।